7 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1। देखिए पहले हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कल, अब यहाँ से देखिए जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, एक जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है दैट फंक्शंस लाइक अ माउस, जो कि माउस की तरह कार्य करती है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटर गेम्स, जिसका प्रयोग ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स में होता है। इट हैज अ रोटरी लीवर, इसमें एक घुमाने वाले लीवर होता है दैट कैन बी मूव्ड राइट लेफ्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, यानी जिस लीवर को राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ पीछे की तरफ आगे की तरफ घुमाया जा सकता है। अ जॉयस्टिक हेल्प्स यू टू मूव एन इमेज क्विकली अक्रॉस द स्क्रीन, एक जॉयस्टिक स्क्रीन पर किसी इमेज को तेजी से घुमाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। हैंस इसीलिए इज यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, इसीलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम्स में खेलने के लिए किया जाता है। इन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, यानी जहाज़ों को चलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, तो वो सिमुलेटर एक प्रकार की मशीन होती है, तो जिससे जहाज़ों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स यानी जहाज़ों को चलाने की ट्रेनिंग देने वाली मशीन, एंड इन कंट्रोलिंग रोबोट्स, और कंट्रोल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल इज लाइक एन अपसाइड डाउन माउस, यानी जो माउस के नीचे की तरफ का हिस्सा होता है, तो ट्रैक बॉल क्या होता है, वो अपसाइड माउस होता है। जो नीचे बॉल होती है तो उसमें ट्रैक बॉल जो होती है वो ऊपर आ जाती है, जो माउस में बहुत सी में पहले वो आती थी बॉल नीचे वाल नीचे की तरफ, अब वो ट्रैक बॉल ऊपर लग आ जाती है इसमें ट्रैक बॉल। विच यू रोल बॉल डायरेक्टली विद योर हैंड टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, इन विच जिसमें यू रोल द बॉल, जिसमें तुम रोल को घुमाते हो डायरेक्टली माने सीधे विद योर हैंड्स अपने हाथों से, टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। इट इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर, जिसका प्रयोग ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर्स में किया जाता है। दीज डेज इन दिनों सम कंप्यूटर्स माइस ऑल्सो हैव ए सेपरेट ट्रैक बॉल, इन दिनों कुछ कंप्यूटर माउसों में अलग ट्रैक बॉल आती है। एलोंग विद द बटन्स, बटनों के साथ, फॉर ईजियर स्क्रॉलिंग, यानी आसानी से स्क्रॉल करने के लिए। टचपैड, द टचपैड इज अ प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस, टचपैड होता है वह दबाव के प्रति संवेदनशील एक इनपुट डिवाइस होती है। दैट रेस्पॉन्ड टू योर फिंगर मूवमेंट ओवर द पैड सरफेस, यह तुम पैड के सरफेस पर तुम्हारी उंगलियों के मूवमेंट के प्रति क्रियाशील होता है। इट इज यूजली फाउंड ऑन लैपटॉप कंप्यूटर, इसका प्रयोग ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर्स में होता है। अब देखिए टच स्क्रीन, अ टच स्क्रीन अलाउ यू टू फीड इन डाटा बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन, टच स्क्रीन होती है अलाउ माने अनुमति देती है, यू टू फीड इन डाटा, एक टच स्क्रीन तुमको डाटा फीड करने की अनुमति देती है बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन, स्क्रीन को छूकर ही। द यूजर सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, जो होता है यूजर वह मेन्यू से ऑप्शन सेलेक्ट करता है डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में से सेलेक्ट करता है। कंप्यूटर सेंसेस द इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस अकॉर्डिंगली, तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को महसूस करता है या उनका अनुमान लगाता है और उसके हिसाब से कार्य करता है। अ टच स्क्रीन यूजेज ए ट्रांसपेरेंट प्रेशर सेंसिटिव पैनल, तो एक टच स्क्रीन होता है वह बिल्कुल पारदर्शी और दबाव के प्रति संवेदनशील पैनल का प्रयोग करता है। टू डिटेक्ट, डिटेक्ट माने पता लगाने के लिए, वेयर द यूजर हैज टैप्ड द स्क्रीन, की यूजर ने कहाँ पर स्क्रीन को टैप्ड किया है। तब द टच स्क्रीन आर यूजली सीन इन कियोस्क, टच स्क्रीन का ज़्यादातर कियोस्क कहते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो चौराहे वगैरह पर होती हैं उनमें देखी जा सकती हैं ये टच स्क्रीन कंप्यूटर्स।
क्योस्क आर द बूथ्स, क्योस्क क्या होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, दैट प्रोवाइड कंप्यूटर सर्विस ऑफ सम टाइप, जो किसी प्रकार कुछ प्रकार की कंप्यूटर सर्विस प्रदान करती हैं। टच स्क्रीन्स आर ऑल्सो सीन इन एटीएम्स, यानी टच स्क्रीन को एटीएम में भी देखा जा सकता है। सुपरमार्केट में भी देखा जा सकता है, एज द पीपल कैन यूज देम इजिली, जिससे लोग उनको आसानी से प्रयोग कर सके। ठीक है, इससे आगे फिर पढ़ाएंगे।